एक तरफ पुलिस विभाग ने दीपावली को ध्यान में रखते हुए शहर में अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ शहर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की रात जरीपटका थाने के समीप ही एक अपराधी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल तो पुलिस आकस्मिक विवाद होने की बात कर रही है, लेकिन इसके पीछे साजिश भी हो सकती है। मृतक कौशल्या नगर अजनी निवासी फ्रैंक भूषणम एंथोनी बताया गया। फ्रैंक मानकापुर के चर्चित मोहित पीटर हत्याकांड में आरोपी था। बताया गया कि वह मंगलवार की रात जरीपटका थाने के समीप खोबरागढ़े चौक पर खड़ा था। इसी दौरान कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। गाली गलौज से शुरू हुआ झगड़ा मारपीट में बदल गया। बताया जा रहा है कि 5 से 6 युवकों ने फ्रैंक को घेर लिया, उसके सिर पर बड़ा पत्थर उठाकर मार दिया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। कल सायंकाळ 9 वाजता दरम्यान माहिती मिळाली की एका व्यक्तीला महेश अपार्टमेंटच्या समोर मारहाण झालेली आहे। त्या ठिकाणी पोहोचलं तात्काळ पोलीस स्टाफ पोहोचला असता फ्रँक उर्फ सागर भूषणम राहणार अजनी या व्यक्तीला 4-5 लोकांनी मिळून मारहाण केल्याची माहिती प्राप्त झाली। त्यानंतर तात्काळ सदर व्यक्तीला मिळे हॉस्पिटलला आम्ही रवाना केले, आरोपीताबद्दल माहिती घेतली असता 5 आरोपींनी मिळून त्याला मारहाण केल्याचे दगडाने मारल्याची माहिती मिळाली। सदर 5ही आरोपी अटक केलेले आहेत। त्यांची नावे आहेत क्रिस्टोफर डॅनियल, सावियो डॅनियल, सिमोन पीटर, 3 राहणार मार्टिन नगर, तसेच विक्की तवाडे आणि आकाश वागडे, असे टोटल 5 आरोपी मिळून त्याला मारहाण केली होती। 5ही आरोपी ताब्यामध्ये आहेत, अटक करण्यात आलेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।